बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। जनाब, वादी रूहा में मुकद्दस कुआं है जहाँ से रवायात के मुताबिक 70 अम्बिया अलैहिस्सलाम ने पानी पिया है। यह हुज़ूर अलैहिस्सलाम का एक पसंदीदा मकाम था, क्योंकि यहाँ पे कुआं था तो पानी मौजूद था, तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ यहाँ पे क़याम किया करते थे। अब मैं जनाब आपको एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जहाँ पे मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैमा लगा करता था। वहाँ भी एक मुसल्ला है और मुसल्ला रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर का खैमा लगा करता था। उम्महातुल मोमिनीन का खैमा भी यहाँ पे लगा करता था। चार दीवारी के अंदर वो मकाम है जिसकी मैं आपको ज़्यारत करवाने वाला हूँ। ये सारी वादिये सजा सज है, मकाम रूहा है, और ये तरीकुल अंबिया में ये मकाम शामिल है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं एक पुराना कब्रिस्तान है जिसके बारे में मुरखीन का ये कहना है कि यहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में से एक इज्जतों वाले हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अजदाद में से एक इज्जतों वाले जो बुज़ुर्ग हैं उनकी कब्र भी है। और सुभानअल्लाह 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 अल्लाहुम्म सल्ली अला व आलिही व सहाबी वसल्लम। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये अदना खादम नौकर मदीना तैयबा की हाजिरी से मुशर्रफ हुआ तो मेरा जी चाहा कि मैं व्लॉग्स तैयार करूँ आप अहबाब की मोहब्बत के आलम में जुलानी पैदा की जाए। ये जनाब मुसल्ला है, ये वो मुसल्ला है जो मुसल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा लगा करता था। उम्मातुल मोमिनीन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जब सफ़र में होती तो यहाँ क़याम होता था। मैं इसके अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा बदन मेरे पाँव में इस काबिल नहीं है कि इस मुकद्दस जगह पे जाऊं। यहाँ पे मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अथर लगा है, पाँव मुबारक लगे हैं, और उम्मातुल मोमिनीन का यहाँ पे क़याम हुआ है। आप इस मुसल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यारत करें। इंशाल्लाह हमारा ये सफ़र जो है ये मोहब्बतों का ये जारी सारी रहेगा। अभी हमने बदर शरीफ जाना है और आपको जो वहाँ के मामलात हैं जंग के उस मैदान में लेके जाना है, तो इंशाल्लाह आपको ज़्यारत करके मज़ा आएगा। अल्लाह आपकी मोहब्बत रसूल में मज़ीद बरकतें पैदा, इस मकाम पे हाजिरी का सदका अल्लाह आपकी मुश्किल आसान फरमाए। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमाए। या रब्बुल आलमीन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस महबूब वादी का सदका मौला जितने भी मेरे भाई बहन हैं बीमार हैं मौला सबको शिफा अता फरमा। मौला शिफा बांटने वाले हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उठे हाथों का सदका, हजूर के रोने का सदका, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतहाई गर्म मौसम में तबलीग दीन के लिए जंगों में हिस्सा लेने के लिए मौला हाजिर होने का सदका रब्बुल आलमीन, जो मेरे भाई बहन बीमार हैं मौला उनको शिफा अता फरमा। रब्बुल आलमीन जिनके पास काम नहीं इनको काम अता फरमा। जो औलाद के लिए परेशान है मौला, जो रिश्तों के लिए परेशान है मौला, उनकी सारी मुश्किलें आसान फरमा। तेरे लिए मुश्किलात आसान करना रब्बुल आलमीन कोई बड़ी बात नहीं। रब्बुल आलमीन तूने कुन कह देना है, हो जाना है मौला। मौला अपनी रहमत को हुक्म फरमा,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस निस्बत वाली जगह के सदके मौला हमारे सारे दुख दर्द ख़त्म कर दे। मौला हमारी बहनों को, बेटियों को सुकून अता फरमा, हमारे बुज़ुर्गों को सुकून अता फरमा, नौजवानों की जवानियों की हिफाजत फरमा। मौला करीम, लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से दूर जा रहे हैं, मौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब अता फरमा, हुजूर की मोहब्बत अता फरमा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान अता फरमा। मौला हमें हुजूर का कर दे, और हुजूर तो हमारे हैं ही, हम ही हुजूर से दूर हैं, मौला हमें हुजूर के करीब कर दे। मौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का साया हमें अता फरमा, मौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का झंडा हमें अता फरमा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मौला हमारी मुश्किल आसान फरमा। ए करीम करम कर दे, रहीम रहम कर दे। मौला करीम आलम इस्लाम पे करम फरमा, पाकिस्तान की खैर, अहलियान पाकिस्तान की खैर, पूरी उम्मत मुस्लिमा की खैर, यूके यूरोप में बसने वाले मुसलमानों की खैर, मौला सबको खैर अता फरमा। इस बरकतों वाले मुकाम का सदका मौला सबको खैर अता फरमा। ये मुसल्ला रसूल है, ये खैमे वाली जगह है जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम साबित है। दुआ फरमाए कि अल्लाह पाक इस जगह पर हाज़िरी का सदका हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात की सूरत में अता फरमाए। आमीन। वादी रूहा एक मुकद्दस वादी है जो ज़माना कदीम से काफ़लों की क्याम का रही है। यह सीरत तय्यबा के मारूफ मकामात में से एक है, और रूहा की मुकद्दस वादी रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब क़ियामगाह थी, जहां सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा या हज के लिए आते जाते वक्त या बाज़ गज़वात से वापस आते हुए यहाँ क़याम किया करते थे। इस मकाम से बहुत सारे तारीखी वाक़यात जुड़े हुए हैं। अहादीस मुबारका में इस मकाम और वाक़यात का तज़किरा कसरत से आया है। सीरत तय्यबा की किताबों में भी अर्रुहा का ज़िक्र मिलता है। अर्रुहा में एक बरकतों वाला कुआं है, जिसमें से 70 अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने पानी पिया। ये कुआं उन मुबारक कुओं में से एक है जिनसे रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया, और जहां पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा करने का इत्तमाम फरमाया। अर्रुहा में एक मस्जिद भी है जहां रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई। अर्रुहा वादी का भी नाम है जो तकरीबन 25 मरबा किलोमीटर पर फैली हुई है, जो वादी अस्याला से शुरू होती है और अर्रुहा में ख़त्म हो जाती है। ये मदीना मुनव्वरा की एक वादी है जो अब हुज्जाज और अरब शरीफ के बासियों का महबूब मकाम ज़ियारत बन गया है, और लोग अर्रुहा के कुएं से बरकत और शिफा के लिए पानी लेने आते हैं। ये देखिए जनाब, यहाँ पे अब दुकानें भी लग चुकी हैं हमारी बहनें, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी से इस्लाम की ताफ़ फरमाए। ये यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त कर रही हैं। ये जनाब
पीर रूहा। अगर मैं सालों पीछे जाऊं तो जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, मुझे याद है कि उस का मुँह खुला था उस वक्त और अंदर देख सकते थे, लेकिन अब ये देखें बंद है। इस तरफ से दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा खुला है। ये वो कुआं है जिससे कसीर तादाद में अंबिया अलैहिस्सलाम ने फैज़ हासिल किया। इसके अंदर देखूँगा, अल्लाह अल्लाह, ये बरकतों वाला कुआं है। मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम यहाँ पे साबित है। और नाज़रीन, ये मकाम मोहब्बत है, मकाम ज़्यारत है, बिर रूहा, अंबिया अलैहिस्सलाम की क़ियामगाह। और 70 से मुराद कसीर तादाद में अंबिया अलैहिस्सलाम का यहाँ पे क़ियाम और इस कुएँ से पानी पीना और वज़ू करना साबित है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही व सहबिही वसल्लम। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जनाब देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना एहसान अज़ीम है इस जगह पर। अब माशाल्लाह मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म की कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक मस्जिद भी बन रही है। तो अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो उसमें यह जगह बिल्कुल एक सुनसान और उजाड़ जगह थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोग्राम टीवी पे बहुत मकबूल हुआ और फिर पूरे यूके यूरोप से लोग इस मकाम की ज्यारत के लिए आए और फिर ये बात अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में फैली और लोग अल्हम्दुलिल्लाह जोक दर जोक यहाँ पे आते हैं। जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 46 से ऊपर है, अगरचे एक असर का वक्त है लेकिन फिर भी गर्मी का अरूज है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये मेरे पीछे जनाब जो पहाड़ है ये जबले बरकान, ये जो पहाड़ मस्जिद के पीछे आपको नज़र आ रहा है ये जबले बरकान है। और जैसे मदीना तैयबा शरीफ में मेरा प्यारा उहद जन्नती है, मेरा प्यारा उहद इसलिए कि वो मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता है, हजूर उससे प्यार करते हैं, तो ये भी जन्नती पहाड़ है जबले बरकान। और ये जबले बरकान जिसकी आप ज़ियारत कर रहे हैं, अभी माशाल्लाह यहाँ पे असर की अजान भी हो रही है। ये बिल्कुल इस मस्जिद के पीछे आप देखें ना, ये जबले बरकान है और यहाँ जन्नती हवाएं आती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका ज़िक्र भी यानी सीरत तैयबा की किताबों में मिलता है, ये जन्नती पहाड़ है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि हजूर सलातम के अजदाद में से एक इज़्ज़तों वाले बरकतों वाले जो बुज़ुर्ग हैं हजूर सलातम के, वो इस तरफ जो कब्रस्तान है जो आपको नज़र आ रहा है, ये येलो जो चार दीवारी है इसके अंदर रवायात के मुताबिक उनका मज़ार एक है। ये देखें जनाब, रौनक है यहाँ पे बिर रूह की माशाल्लाह। अब ये लोग यहाँ पे आते हैं और बरकतों और नेमतों से मालामाल होते हैं। सुभान सुभान। इस महबूब जगह जहाँ 70 अंबिया और आखिर में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक कदम लगे, अल्लाह पाक इस जगह पर हाजिरी का सदका तमाम नाजरीन को मदीना तय्यबा की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल करीम अलैहि वहला आलिहि व सहबिहि अजमाईन। Oh, oh, oh.